बेटा ये कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे चैप्टर फर्स्ट का, पेज नंबर 6 है, आप लोग देख लेना। दिया है द सीपीयू हैज़ 3 मेन यूनिट। सीपीयू के 3 मेन यूनिट होते हैं। फर्स्ट दिया है सीपीयू, ठीक है। देखिए इससे कनेक्ट होता है एएलयू, सीयू, एमएमयू, ओके। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट, एमएमयू का होता है मेन मेमोरी यूनिट, ओके। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है कोई भी हम इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। डज ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कंप्यूटर के जितने सारे कैलकुलेशंस हैं आप एएलयू में कर सकते हो। सीयू का मतलब होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जाने पे रोकता है, मतलब फ्लो नहीं होने देता है हर जगह, ठीक है। कंट्रोल करता है सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जाने से उसको रोकता है। MMU का काम होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो और कभी भी उसे देख सकते हो या इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटे यहाँ पे ALU दिया है, ये CU दिया है। CU आपका ये आउटपुट है, इनपुट है ALU, ठीक है। और ये आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर है। MMU मैंने बताया था कि ये क्या है, मेन मेमोरी है, मतलब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के लिमिटेशन दिए हैं, मतलब कंप्यूटर की भी कुछ लिमिट होते हैं, कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो दिया है फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर, कंप्यूटर आर द मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है हम सब लोग जानते हैं। एंड हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन एट ईच स्टेप, कंप्यूटर को काम करने के लिए हर एक स्टेप पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे ये ह्यूमन की तरह वर्क नहीं करते हैं, अगर उन्हें कोई भी वर्क उनसे लेना है तो हर एक स्टेप पे उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वरना वो वर्क नहीं कर पाते हैं। सेकंड दिया है अनलाइक ह्यूमन्स दे कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन एंड टेक डिसीजन, ये ह्यूमन की तरह ना सोच सकते हैं और ना खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ दे रिसीव रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, यदि हम उनमें रॉन्ग इंस्ट्रक्शन डालते हैं या मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम लोगों को रॉन्ग ही आउटपुट देगा, ठीक है। ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था कि 2, +, 3, =5 ऐसे दिया था, वो कंप्यूटर हम लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। अगर हम उसको 2, +3 देंगे तो वो इक्वल टू में करके हम लोगों को 5 देगा, यानी ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कंप्यूटर को कैसे इनपुट देते हैं और वो हम लोग को उसी हिसाब से आउटपुट देता है, ठीक है। रॉन्ग राइट देंगे तो राइट देगा, रॉन्ग देंगे तो रॉन्ग आउटपुट देगा, ठीक है। थर्ड दिया है आल्सो कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट ऑन देयर ऑन, दे सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, उससे अगर कोई भी हम लोगों को वर्क लेना है तो उसे हम लोगों को हर एक स्टेप पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, विदाउट इंस्ट्रक्शन वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जो प्रॉब्लम होगा मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी आगे। थैंक यू।